तो जी वर्स, ये आप देख रहे हैं ये सारा एवलाइन का काउंटर है जिसके ऊपर मैं आज आपको लेके आया हूँ, इसका विजिट करवा रहा हूँ। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स की क्रीम्स आप देख सकते हैं, वाइटनिंग, हेलोरोनिक, विटामिन सी, यानी टोटली सारी डिफरेंट टाइप्स की क्रीम्स है। इसके डिफरेंट टाइप्स के फेस वॉशिज, हैंड क्रीम्स, क्लिनजर्स, टोनर्स, मॉइस्चराइजर, ये आप देख सकते हैं। दिखाने का मकसद है कि आज ना मैं आपके साथ एवलाइन की स्नेल क्रीम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये क्रीम आप देख सकते हैं 50 ml की ये क्रीम है, ये मेड इन कोरिया है। इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट मेड की आती हैं, तो इस लिहाज से आपने वरी नहीं करना कि मेड इन कोरिया कह दिया, क्योंकि ये वाकई में ये वाली जो क्रीम है मेड इन कोरिया है। 40+ इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 40 से ऊपर जिनकी एज है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। और अगर आपकी स्किन सूखा होने की वजह से स्किन खुश्क और बेजान हो चुकी है और बहुत कम एज में आपके रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए हैं, तो उस सूरत में भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 40 होने का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है ना व्यूवर्स, तो फिर आपने इस क्रीम को इस्तेमाल कर लेना है। और अब ये रॉयल स्नेल क्रीम जो एवलाइन की आज आपके साथ शेयर की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्नेल के बारे में बता दूं कि जब ये स्नेल अपना म्यूकस सीक्रेट करता है तो तब ये म्यूसिन हासिल किया जाता है, और ये फिर बड़े बड़े ब्रांड स्किन केयर के हेल्थ केयर में यूज़ होने वाला ये इंग्रेडिएंट है। और बेशुमार ब्रांड्स में इस वक्त ये बहुत ही इन इंग्रेडिएंट है और पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जा रही हैं जो स्नेल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। ये रॉयल स्नेल क्रीम है एवलाइन की, जिसकी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपसे शेयर करूँगा। व्यूवर, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये आखिर स्नेल बेस्ड क्रीम्स में ऐसी कौन सी खास बात होती है, इसके सीरम, क्लिनजर, टोनर, स्किन केयर में ये क्यों इतना इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर ये स्नेल म्यूसिन होता क्या है। व्यूवर, जब स्नेल्स को डार्क रूम में बंद किया जाता है ना आज़ादाना तौर के ऊपर, तो ये अपना जो म्यूकस सेक्रेशन करते हैं उस दौरान ये म्यूसिन हासिल किया जाता है, और ये म्यूसिन फिर उसके बाद स्किन केयर के और हेल्थ केयर के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी यानी कि मेडिसिन हैं जिसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्यों इस्तेमाल करता है, इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर। मगर सबसे पहले ये जो क्रीम आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें भी कुछ इसी तरह है, और वैसे भी स्नेल बेस्ड जिस ब्रांड में भी जो प्रोडक्ट भी बनेगी वो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और इसका सबसे पहला जो बेनिफिट है ये आपकी स्किन को रीजनरेट करती है। रीजनरेट करने का मतलब ये है कि आपके जो पुराने सेल्स होती हैं उन्हें रिमूव कर देता है और नए सेल्स की प्रोडक्शन करता है, जिससे आपकी स्किन हेल्दी होती है, स्किन आपकी ग्लो करती है और नेचुरल बूस्ट होती है स्किन। उसके बाद क्या करता है, ये कोलेजन सेल्स को बूस्ट करता है जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, हमारी स्किन के ऊपर प्लम्पिंग का इफेक्ट आता है जिससे हमारी स्किन मोटी नज़र आती है। और इसके अंदर हेलोरोनिक एसिड मौजूद होता है जो हमारी स्किन को प्लम्पिंग इफेक्ट देता है, स्किन को फ्रेश लुक देता है और नेचुरली स्किन को ग्लो करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि ये चेहरे के ऊपर साइंस ऑफ एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करता है, स्किन को प्लम्प करने के साथ साथ स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करता है, और हमारे जो स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, स्किन के जो सेल्स डिस्टर्ब हो चुके होते हैं उन सेल्स को रीजनरेट भी करता है और उन फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल ख़त्म करने की में हेल्प आउट करता है। क्या चीज़, ये जो क्रीम आज आप एवलाइन की आपके साथ शेयर की जा रही है इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। अब अगर हाउ टू यूज़ के ऊपर आएँ तो ये ओवरनाइट और डे दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं एवलाइन की ये जो क्रीम आज आपके साथ शेयर की जा रही है। और यूज़ किन्होंने करनी है, किस एज में इस्तेमाल करनी है वो मैं बताता हूँ। ये 40 ईयर्स वाले इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए इंतहाई इफेक्टिव फार्मूला है और आपकी स्किन के ऊपर रिंकल, झुर्रियाँ और साइंस ऑफ एजिंग उसके लिए बहुत इफेक्टिव और पायदार क्रीम है एवलाइन की, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। व्यूवर्स, अगर टेक्सचर वाइज देखा जाए, प्राइस वाइज देखा जाए, व्यूवर्स 50 ml की क्रीम है और जो कोरियन मेक है ये, ठीक है, एवलाइन की जो क्रीम आपके साथ स्नेल बेस शेयर कर रहा हूँ ये कोरियन मेक है। और 50 ml की क्रीम ये आपको किसी भी अच्छे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से आपको तकरीबन 21.95 की इजीली मिल जाती है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और अगर इसका टेक्सचर अंदर से हम देखें तो ये अगर ओपन करें तो ये बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में इसकी अंदर से क्रीम निकलती है, ये देख सकते हैं ये क्रीम है इसकी। और अगर इसे हम ओपन करें तो ये देखिए अंदर से सील लगी हुई है, तो हम ज़रा सा इसे ओपन करेंगे, ये पूरी सील ऊपर होगी, ये देखें ये क्रीम है व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप ये क्रीम,
इसमें इतनी फ्रैगरेंस नहीं है, और टेक्सचर इसका अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर है, बहुत अच्छी फ्रैगरेंस है इसके अंदर, और कोई केमिकल या स्टेरॉइड नहीं है ऐसा जो आपकी स्किन को डैमेज करें। तो बहरहाल आप इसे 40 की एज में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी यानी कि फौरी तौर पर प्री मच्योर स्किन प्री एजिंग होना शुरू हो गया तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप 40 होने का इंतज़ार ना करें, फिर आपने फौरी तौर पर इस क्रीम को इस्तेमाल कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये स्नेल बेस्ड क्रीम थी एवलाइन की, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फर्दर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इस क्रीम से रिलेटेड या कोई और प्रोडक्ट के हवाले से, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी कोशिश होगी एज सून एज पॉसिबल उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और दुआओं में ढेर सारा सबको याद रखें।